नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोगों ने स्टार्ट करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 में मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर, लेबर हम लोग पढ़ चुके हैं, लेबर किसको कहा जाता है, ठीक है? लेबर मैंने आपको बताया था मजदूर, और मजदूर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक जो अपने माइंड से काम कर रहा होता है और एक जो है फिजिकल काम कर रहा होता है। तो अब हम लोगों ने इसके जो है फोर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, ठीक है? इसको ए बी पॉइंट में हम लोग करेंगे। फर्स्ट जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स का आता है फिजिकली काम करेगा, और एक आपके पास कौन होगा? ओके, अब क्लियर है। एक बेटा आपके पास मजदूर है जिसने आपके पास हाथ से काम करना है, और एक लेबर है जिसे माइंड से काम करना है, ठीक है? तो इन दोनों को हम लोग सेपरेट कंसीडर नहीं करेंगे, एक ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों ही मजदूर हैं, बेशक वो हाथ से काम करें या फिर अपने माइंड से काम करें, ठीक है? लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड। नेक्स्ट बी पॉइंट आपके पास, ठीक है? बी पॉइंट में आपके पास प्रॉपर्टी बताई गई, लेबर कैन नॉट बी स्टोर। आप लेबर को स्टोर करके नहीं रख सकते, जैसे आपको कोई जरूरत चीज की पड़ती है तो आप उस चीज को स्टोर कर लेते हो ना, जस्ट लाइक आपको कोई फूड चाहिए, फूड बहुत महंगा हो रहा है और आपको अर्जेंट चाहिए, आप उसको फ्रीज भी कर सकते हो। इवन तो जैसे कि मैंगो का सीजन खत्म होता है, तो मैंगो खत्म होने वाला होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, हम लोग मैंगो को फ्रीज कर लेते हैं ताकि सर्दियों में भी जो है इसका जो है टेस्ट और उसका इंजॉय कर सके। तो इस तरह लेबर को आप जो है स्टोर नहीं कर सकते, आप किसी भी बंदे को, किसी भी लेबर को बाउंड नहीं कर सकते कि वो अब इधर ही रहे, मेरे साथ ही काम करे। ये उसकी अपनी च्वाइस होती है कि वो इधर काम करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा, वो जब मर्जी चाहे वो क्विट कर सकता है, ठीक है? कई जगह पर रूल्स एंड रेगुलेशन लाजमी होती है, ठीक है, कि एक माह का एग्रीमेंट होता है, एक माह पहले आपने इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन वो मोस्टली जो है मेंटल लेबर के लिए होता है। फिजिकल लेबर जो है, जो बाहर आपको अड्डों पर जो मजदूर वगैरह मिलते हैं, आप लोगों ने लेट्स सपोज इलेक्ट्रिशियन लेने जाओ, तो उसकी अपनी मर्जी है, वो आपके साथ आना चाहता है या नहीं आना चाहता, ठीक है? तो आप लेबर को स्टोर नहीं कर सकते। सी बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग पावर कहते हैं, जैसे कि आप लोग अगर बाजार कोई कपड़ा सस्ता खरीदने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आप लोग जो है अपनी मर्जी का रेट जो है वो लगा रहे होते हो कि नहीं जी मुझे इसी रेट पे चाहिए, शॉपकीपर जितना मर्जी आपको रेट बताता रहे, आप लोग अपनी मर्जी होगी नहीं जी हमें इतना, अगर तो रेट आपको कन्वीनियंट लग रहा होगा तो आप उस रेट पे जो काम कर लोगे, अदरवाइज आप लोग उस चीज़ को छोड़ के तो आ जाते हो, ठीक है? लेकिन लेबर के केस में ऐसा नहीं होता, लेबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं रेट बता सकता, क्योंकि लेबर के जो रेट है वो मार्केट में फिक्स है, उनकी जो दिहाड़ी होती है, वेजेस जिसको कहा जाता है, ठीक है? तो वो आपके साथ जो है वो बार्गेनिंग नहीं कर सकता, उसकी बार्गेनिंग पावर वीक होती है, ठीक है? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसका, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है सिक्स सोसियाज में, कि उसकी प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट लेबर इज डिफरेंट। हर मजदूर की जो प्रोडक्टिविटी है डिफरेंट है। अगर एक मजदूर ने आपको एक दिन में 10 सूट जो है वो तैयार करके देने हैं, ये 10 सूट वो इस्त्री कर सकते, तो दूसरा मे भी उससे कम करता हो या मे भी उससे ज्यादा करता हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर हमारे पास 10 मजदूर है 10 के 10 एक इतना काम करें। हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी में आपके पास उसकी एज डिफरेंस आ जाता है। कोई अगर यंग है तो यंग में ज्यादा एनर्जी होती है, वो ज्यादा काम अच्छे तरीके से कर सकता है, जबकि अगर कोई ओल्ड एज का बंदा है तो उसमें इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं है, उसको टाइम टेकिंग होगा उसके लिए, वो उतनी देर में उतना काम नहीं कर सकेगा जितनी देर में एक यंग बंदा कर सकता है, ठीक है? तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुशियात हैं, और खुशियात सबकी डिफरेंट होती हैं, ठीक है? सबके पास इक्वल कैपेसिटी नहीं होती काम की। नेक्स्ट है आपके पास इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, क्वेश्चन नंबर 17 है बुक का आपके पास।
बुक्स आप लोगों ने खोल के रखनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं यहाँ पे भी राइट डाउन करती जा रही हूँ की पॉइंट्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब हम एक मजदूर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको किस तरह से जो है एनालिसिस कर सकते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से ऐसे चार चीजें जिनकी वजह से हम मजदूर की जो प्रोडक्टिविटी है पैदावार उसको बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। फैक्टर्स में दोनों चीजें आ जाती हैं, कम करना भी और ज्यादा करना भी। फर्स्ट है आपके पास ए बी के नाम से हम कर लेते हैं फिजिकल वर्क। फिजिकल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ से क्या मुराद है? अगर जैसे मैं भी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक जो है वो हेल्दी मैन है और एक जो है वो ओल्ड है, ओल्ड आदमी है, बूढ़ा हो गया हुआ है, तो अब ज्यादा काम कौन कर सकता है? हेल्दी मैन ना, वो जो एक यंगस्टर है, मैं ज्यादा काम कर सकती हूँ एज कम्पेयर टू माई मदर, ठीक है, या एज कम्पेयर टू माई ग्रैंड मदर। तो क्या है कि दादी में इतनी हिम्मत नहीं है पर मेरे में हिम्मत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है वो आपकी फिजिकल हेल्थ है, कि आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है। मे बी समटाइम मैं भी वो काम ना कर सकूँ जो मेरी दादी परफेक्ट तरीके से कर सकती है। क्यों? क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। और मौसम बीमारी में क्या होता है, आपका जिसम जो होता है बिल्कुल जान छोड़ जाता है, आप किसी काम के मतलब आपकी हिम्मत ही नहीं रहती, इवन दो आप खुद वॉक भी कर सको, ठीक है। तो ये जो फिजिकल हेल्थ है ये मैटर करती है आपके काम में, कि आपके काम की प्रोडक्टिविटी कितनी हो सकती है, या अच्छी हो सकती है या बुरी है, आप ये डिपेंड करते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ पे। नेक्स्ट है मॉरल क्वालिटीज। मॉरल क्वालिटी से मुराद है कि एक बंदा खुद कितना रिस्पॉन्सिबल है। एक लेट्स सपोज एक बंदा है वो काम पे जा रहा है, ठीक है, तो उसको काम क्या कर रहा है डेली बेसिस पे, जो उसको काम करना है जो उसको साइन किया जाता है। और एक होता है मॉरल, ठीक है, मॉरल क्वालिटीज की उसके अंदर इंसानियत कितनी है, या कितना उसमें ये चीज है, मोस्ट क्या उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि उसको अपनी कमाई जो है हक लाल की बनानी है। अगर तो उसमें ये कॉन्सेप्ट होगा कि उसने अपनी कमाई जो है वो जो कमाना चाह रहा है उसको हक लाल का कमाना है, तो वो अपने काम में सिंसियरिटी भी शो करेगा, अपने काम को दिल लगा के करेगा, उसको उस काम के अकॉर्डिंग वेज नहीं भी दी जा रही होगी फिर भी वो जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है मैनेज कर रहा होगा। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है मॉरल क्वालिटीज पे भी डिपेंड करती है कि इंसान जो है अपने काम के साथ कितना ऑनेस्ट है। नेक्स्ट इज हेरिडिटरी क्वालिटीज। हेरिडिटरी क्वालिटीज बेसिकली आपके पास ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि आपको खानदानी दी जाती हैं। वो कहते हैं ना फितरत, या मतलब खानदानी, जो अगर बाप में कोई नेचर है तो बच्चे में भी वही नेचर आएगी। उसको हम चेंज करने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कहते हैं नेचर कैन नॉट बी चेंज, फितरत बदलती नहीं है। तो अगर एक बाप जो है वो बहुत मेहनती है तो वो जो है बच्चा भी डेफिनेटली वो इन फ्यूचर में ही होगा, क्योंकि वो अपने बाप को अज्यूम कर रहा है कि मेरा बाप जो है वो अच्छे तरीके से काम करता है, मैंने भी अच्छे तरीके से काम करना है। अब घर में अगर एक माँ की 3 से 4 बेटियां, तो चारों के नीचे जो है माँ पे नहीं होगी, कोई एक आदमी इतना ड्राम भी होती है, ठीक है, जो काम नहीं करती। तो ऐसे ही आपके पास ये चीज वेरी करती है, हेरिडिटरी क्वालिटीज में आपके पास आ जाएगा कि अगर तो आपकी क्वालिटीज अच्छी हैं, ठीक है, जो आपको विरासत में मिली है, तो डेफिनेटली आपको जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो काम और अच्छे तरीके से करेगा, जहाँ वो एक दिन में 10 बैग बना सकता है अगर उसमें हेरिडिटरी क्वालिटीज हैं उसको, और मॉरल क्वालिटीज हैं उसको अपने काम के साथ सिंसियरिटी है, वो दिल से काम करेगा, और वो 10 बैग की जगह वो 15 बैग जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट इज पॉइंट डी, कंडीशन ऑफ द वर्क। कंडीशन ऑफ द वर्क से मुराद है कि काम की हालत। अब एक टीचर है, ठीक है, अब टीचर को कहा जाए कि भाई बोर्ड पे बैठ के पढ़ाएं, तो वो टीचर कभी भी कन्वीनियंट नहीं होगा, ठीक है। अब टीचर भी तो लेबर है ना, अब वो टीचर कभी भी कन्वीनियंट नहीं होगा कि यार मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ इतनी शोर में। एक टीचर को पढ़ाने के लिए स्टूडेंट से आई इंटरेक्शन चाहिए होती है, जैसे कि अभी हमारी आई इंटरेक्शन नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन ये है कि अब ये एक मजबूरी है, हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये जूम बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज जो आपकी कॉलेज ने प्रेफर किया आपके लिए, इट्स अ गुड। अब कंडीशन में हम देखेंगे कि आप कंडीशन क्या है, क्या एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। अगर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा होगा काम के लिए, तो डेफिनेटली आप काम अच्छे तरीके से करोगे, दिल लगा के करोगे। लेकिन अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है काम की, आपको आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, तो आप भी उसको काम को सर से उतारोगे। बस आप कहोगे ठीक है, हमें यहाँ पे हमारे जो मालिक है वो क्या दे रहा है, तो बस ठीक है हम इस काम को करके, तो मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करोगे चीज की। तो कंडीशन जो है वो मैटर करती है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ये चार चीजें हैं जो कि मजदूर की पैदावार को बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। नेक्स्ट इज 18,
फैक्टर्स इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब ऐसे फैक्टर्स हमारे पास जो के कैपिटल, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सरमाया। ऐसी कौन सी चार चीजें हैं हम देखेंगे कि जो पैसे को बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। सबसे पहले जो पैसे को बढ़ा सकती है चीज, वो है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये आपके हेडिंग काफी लंबी लिखी हुई है बुक में, आपने सारी नहीं करनी इसको, बस डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर तक करें, बाकी जो है इसको काट दें। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा जो मोस्टली जो तबका है वो जो है खेती बाड़ी को प्रेफर करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम खेती बाड़ी को जो है वो हाथ से जैसे कर रहे हैं, वो बैलगाड़ी चला रहे हैं या हाथ से काश्तकारी हो रही है, तो बहुत टफ काम है। तो हमारे लिए प्रेफरेबल क्या है कि हम लोग उसकी जगह मॉडर्न मशीनरी इस्तेमाल करें। अगर हम लोग लेटेस्ट मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे पहले अगर हम लोग किसी गांव से हमारे पास जो है टमाटर आ रहे थे, ठीक है, टमाटर को तो बहुत सॉफ्ट सा होता है, वो 1 या 2 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता, खराब होना शुरू हो जाता है। तो वो एक बैलगाड़ी में लाने में कितना टाइम लग रहा था, अगर उसकी जगह हम उसको एक ट्रैक्टर में या किसी और मॉडर्न मशीनरी में लेकर आएंगे ट्रांसपोर्ट में, तो वो जल्दी आ जाएगा, उसकी क्वालिटी भी ठीक रहेगी, और आप जब उसकी क्वालिटी ठीक होगी तो उसको हाई रेट से बेच भी सकोगे। तो ये आपके पास एक रीजन है, इससे आप अपना पैसा बढ़ा सकते हो, ठीक है। कैसे बढ़ा सकते हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न मशीनरी यूज करके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी सेम जस्ट लाइक ऐसा ही है कि आपने अपनी डेवलपमेंट बढ़ानी है। डेवलपमेंट किसकी बढ़ानी है, अपने गुड्स की। अब गुड्स कौन से हैं आपके पास, जो लेट्स सपोज अगर एक इंडस्ट्री है, सनत है, वहाँ पे कपड़ा बनता है, ठीक है। तो आप चाहोगे कि आप कपड़ा जो है ज्यादा अच्छे तरीके से बनाओ, या जो लेटेस्ट आपके पास टेक्नोलॉजी मार्केट में प्रवेल कर रही है, या आजकल जिस चीज का ट्रेंड चल रहा है आप वो बनाओ। अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो आपके पास जो है वो ज्यादा पैसा बनने के चांसेस हैं। तो आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है इम्प्रूव करने का तरीका यही है कि आप लोग उसकी जो मॉडर्न चीजें हैं आप उनकी तरफ मूव करो, और जो पुराने तरीके हैं उनको छोड़ दो। सेम एग्रीकल्चर में भी यही है कि आप लोग पुराने तरीके छोड़ के आप लोग नए तरीकों की तरफ मूव ऑन करो, ताकि आप लोगों का पैसा बढ़ सके। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ वेरियस मटीरियल। हमें वो चीजें ईजाद करने की जरूरत है जो कि हमारे पास पहले मार्केट में नहीं है, ठीक है। नई चीजें ईजाद करें, जब आप लोग मार्केट जाते हो शॉपिंग के लिए, तो वहां पे क्या होता है, आप लोग लेने बेशक कुछ हो जाओ, लेकिन अगर आपको कोई नई चीज नजर आ जाती है तो आप उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हो, तो आप उस नई चीज को लेना प्रेफर करते हो, बेशक उसमें थोड़े से पैसे ज्यादा ही क्यों ना डाल दें। तो पैसा बढ़ाने का एक ये भी तरीका होता है प्रोड्यूसर के पास जो पैदावार कर रहा है, ठीक है। ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कंज्यूमर कौन है, चीज खरीदने वाला, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये चीज बनाने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो जो है पैसा ज्यादा करेगा। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि जो उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो वो क्या करेगा, वो लोगों को नई से नई चीजें बना बना के दिखाएगा, जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो गए। जब अट्रैक्ट होंगे तो डेफिनेटली लोग उसको खरीदना चाहेंगे, बेचे वो महंगी क्यों ना हो। नेक्स्ट इज डी पॉइंट इसमें से हम शॉर्टकट पॉइंट निकालते हैं, काफी लंबा पॉइंट है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ टूल्स, अब टूल्स किसको कहते हैं, औजार को, ठीक है। जहाँ पे हम लोग हाथ से चीजें बना रहे थे, अगर हम लोग हाथ से चीजें बनाकर छोड़ें और उसको टूल से बनाना शुरू करें, डिफरेंट मॉडर्न मशीनरी या इस तरह की कोई चीज यूज करेंगे, तो हमारी जो कैपिटल है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, उसमें भी होता है। और ये इम्पोर्टेंस ही नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी हम उसके साथ ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ कैपिटल, के कैपिटल को कौन कौन सी चीजें हैं इन्फ्लुएंस करती हैं, अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा ट्रेंड लेबर।
अगर आपने जो लेबर है वो अच्छा रखा हुआ है, आपके पास लेबर जो है वो ट्रेंड है, ठीक है, आपको उसको कोई काम सिखाने की जरूरत नहीं है, उसको सारा काम जो है पहले से ही आता है, तो वो आपको ज्यादा मुनाफा कमा के देगा, जैसे कि एज कंपेयर टू अनस्किल्ड लेबर। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ कैपिटल। प्रॉपर यूज ऑफ कैपिटल में आएगा कि आप अगर अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो, अगर सही जगह पे उसको लगाओ, तो डेफिनेटली आपका पैसा जो है वो डबल होता जाएगा, लेकिन अगर आप उस सही जगह पे नहीं लगाओगे तो आप लॉस में जाओगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होता है खाम माल, जैसे कि अगर आपने एक बैट बनाना है, बैटबॉल बनाना है, तो उसके लिए आपको लकड़ी चाहिए। अब ये भी मैटर करता है कि आप लोग लकड़ी जो है किस किस्म की यूज कर रहे हो, ठीक है, आप लकड़ी किस किस्म की यूज कर रहे हो। अगर आप लकड़ी जो है अच्छी किस्म की यूज करोगे तो डेफिनेटली वो आपकी जो प्रोडक्शन है वो बेहतर होगी। अगर आप लकड़ी जो अच्छी कंडीशन की नहीं यूज कर रहे तो आपकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, और इसी तरह आपके कैपिटल पे भी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है तंजीम को, और तंजीम मैंने आपको बताया था आपके पास क्या है, एक अदारे को कहा जाता है, जस्ट लाइक आपका ये कॉलेज हो गया, ठीक है, एक अदारा है। अदारे का पर्पस क्या होता है, अदारे ने बेसिकली जो है अपने तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके लैंड को, लेबर को एंड कैपिटल, सरमाया, इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करके एक तंजीम बनानी होती है। वो अपनी जमीन इस्तेमाल करता है, वहां पे वो मजदूर लगाता है, ठीक है, और मजदूर कौन हो गया, टीचर हो गए, लैंड जो आपके कॉलेज की जगह है वो, और कैपिटल क्या है, सरमाया, जो आपके चेयरमैन जो है इन्वेस्ट करेंगे। अब इन तीनों चीजों को लगा के वो क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, एक तंजीम बना रहे हैं, ठीक है, और तंजीम जो है वो प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। गवर्नमेंट भी ऐसे ही तंजीम बनाती है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही बनती है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक तंजीम बनाई क्यों जाती है, क्या पर्पस है इसको बनाने का, इसको हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम जो है वो हम लोग क्यों बनाएंगे, आपके माइंड में भी इस टाइम कुछ ना कुछ। फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम जो है वो क्या क्या काम करती है, उसको क्यों जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, पहला पॉइंट इसमें आपके पास आएगा। प्लानिंग ऑफ बिजनेस, क्योंकि हम लोग वहां पर कारोबार करना चाहते हैं, प्लानिंग ऑफ बिजनेस, डेफिनेटली कारोबार करने के लिए हमें तंजीम बनानी पड़ेगी, और ये जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इट्स अ बिजनेस ऑफ समवन, ठीक है, प्लानिंग ऑफ बिजनेस। सेकंड है आपके पास टू अटेन, अटेन कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पे। अब हम लोग चाहते हैं कि जी हम लोग जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम लोगों ने कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं, हमने ने पैदाइश तीन, ठीक है, यहाँ पे उसको तीन यूज करके हम लोग चौथी बनाते हैं। वो तीन क्या है, जमीन, मजदूर और कैपिटल, ठीक है, इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करके हम लोग अपना चौथा जो है वो फैक्टर यूज करते हैं। तो इन तीनों चीजों के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए भी हम लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सी। सी है टू मैनेज द बिजनेस। एक कारोबार को चलाने के लिए हमें प्रॉपर जगह रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जब तक हमारे पास जगह नहीं होगी हम कर हाँ नहीं। कशिश बेटा अपना माइक म्यूट करें। टू मैनेज द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है, अगर हमें कोई कारोबार चलाना है उसको मैनेज करने के लिए हमें एक जगह चाहिए, वो जगह डेफिनेटली कौन सी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। हम लोग एक रोड पे खड़े होके, कॉलेज नहीं खोल सकते, एक रोड पे मतलब खड़े होके नहीं, हम लोग ना तो टीचर पढ़ा सकते हैं और ना ही वहाँ पे हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं, हमें प्रॉपर जगह की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उस जगह को, उस अदारे को तंजीम कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डी पॉइंट है आपके पास टू मेक पेमेंट, ठीक है, टू मेक पेमेंट, पैसे कमाने के लिए भी हम एक तंजीम बनाते हैं, ठीक है, टू मेक पेमेंट भी आप कह सकते हो, टू मेक प्रॉफिट भी कह सकते हो, ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो आप पैसे के लिए करते हो, ठीक है, उसको आप वो करने के लिए एक तंजीम बनाते हो, और तंजीम से जो आप मुनाफा कमाते हो। ये आपके पास थी आज के शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, आज के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है आप लोगों ने करने हैं अपनी अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 15 कराया, 16, 17, 18, 20, 5 क्वेश्चन शॉर्ट करवाए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लेबर की खासियत देखी है, फिर लेबर को कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं,
सरमाए की अहमियत क्या है, सरमाए को इन्फ्लुएंस कौन सी चीजें करती हैं, तंजीम और तंजीम बेटा सिक्स क्वेश्चन है आपके पास ये, और फिर तंजीम के फंक्शन क्या क्या हैं, ठीक है। और ये लेक्चर है, अभी आप लोग सब अनम्यूट हो जाओ और किसी को अभी कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है, इससे रिगार्डिंग।